वेलकम बैक। आपको बताएं कि मारूफ अदाकार और सदारती अवार्ड याफ्ता इफ्तिखार कैसर कल पेशावर में इंतकाल कर गए। उनकी ज़िंदगी के हवाले से खसूसी पैकेज शामिल करेंगे इस बुलेटिन में। इफ्तिखार कैसर 2 मई को पाक पतन में पैदा हुए। उन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ स्कूल के ज़माने से अपने उस्ताद अब्दुल हमीद, जो कि खुद एक शायर और लिखारी थे, उनसे मुतासर होकर किया। 1981 में मजदूर किसान पार्टी में शामिल हुए और एक मशहूर अखबार के लिए 31 साल तक अपनी खिदमात भी अंजाम दी। उनकी पहली शायरी की किताब समंदर में समंदर 1991 में छपी। उन्होंने उर्दू ड्रामा सीरियल मोहब्बतें की कई एकसात में प्रोड्यूसर की हैसियत से फराइज अंजाम दिए, जो 1999 में टीटीवी की जीनत बनी। इसके अलावा उन्होंने राहत फतेह अली खान की जिंदगी पर बनने वाली दस्तावेजी फिल्म में भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के फराइज अंजाम दिए। उनकी शायरी पर म्यूजिकल एल्बम 1997 में समंदर में समंदर के नाम से बनी, जिसके गाने उस्ताद निसर फतेह अली खान ने गाए। इफ्तिखार कैसर तवील अलालत के बाद पिशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में आज इंतकाल कर गए और कई तरफदारों को हमजदा छोड़ गए। सैयद साद अली, न्यूज़ प्लस, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsplus.com.pk।